हाय एवरीवन, सो आई होप आप सभी अपने घर में अच्छे से सेफ होंगे। और आपके लिए मैं लेकर आई हूँ आपके हाई अवार्ड्स के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल मराठी मेकअप लुक। चलिए आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो मेकअप करने से पहले आप तीन चीज़ें याद से करें, जो कि होती है CTM, मीन्स क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो यहाँ पर मैंने अपने स्किन को पहले क्लीन कर लिया था, तो डायरेक्ट मैं टोनर अप्लाई की हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। अब मेरी स्किन जो है थोड़ी सी कॉम्बिनेशन स्किन है, मीन्स मेरे नोज़ एरिया में काफ़ी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होती है और इधर वाली जो एरियाज़ होती है थोड़ी सी ड्राई होती है, तो इसलिए मैं प्लम की ही मॉइस्चराइज़र और टोनर इस्तेमाल की हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी। देखिए, एक नेचुरल आईब्रोज को फिल करने के लिए आप हमेशा प्रोडक्ट्स को अपने हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में ही अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले तो आप जो भी आप ब्रश से फिल कीजिए या फिर पेंसिल से फिल कीजिए, आप सबसे पहले अपने आईब्रो की टेल से स्टार्ट कीजिए आईब्रो को फिल करना। उसके बाद ही आप आईब्रो की टिप की तरफ जाइए। जब आप अपने आईब्रो को फिल कर लेते हो तो आप याद से अपने आईब्रो के हेयर पे कोई सी भी ब्रश लेकर आप एक बार कॉम कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी प्रोडक्ट्स आपने लगाए हैं अपने आईब्रो पे वो सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारे जो आईब्रो की एजेस हैं उनको शार्प करना, जिसके लिए हम अपने आईब्रोज के अराउंड कंसीलर अप्लाई करेंगे। साथ ही क्योंकि हम आई मेकअप भी करेंगे इसके बाद, तो हम अपने आई लीड्स के ऊपर भी कंसीलर अप्लाई करेंगे। अब देखिए हम इनको ब्लेंड कैसे करते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर को आप अच्छी तरीके से पानी में निचोड़ लीजिए, बिल्कुल वेट कर लीजिए, और उसके बाद आप डैब डैब की मोशन में ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल करते हुए सारे कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। कंसीलर आपको फैलाना नहीं है, सिर्फ आप जहाँ पे लगाए हो कंसीलर वहीं पे आपको ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करना है। अब आप कोई सी भी कॉम्पैक्ट ले लीजिए और फिर अपने कंसीलर को अच्छे तरीके से लॉक कर दीजिए। अगर आप ये स्टेप नहीं करोगे तो आपकी कंसीलर में क्रीज लाइन्स बन सकते हैं। अब कोई सी भी आप लाइट कलर की शिमर सेट पिक कर लीजिए। मैं यहाँ पे लाइट गोल्डन शेड पिक कर रही हूँ और अपने पूरे आई लीड पर मैं अच्छे तरीके से इनको फ्लैट ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे कलर पिक कर रही हूँ बिल्कुल लाइट पिंक कलर है, और इसको अब मैं लेकर अपनी क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो जिनको भी नहीं पता है कि क्रीज लाइन होती क्या है, तो जब हम अपने आँखों को बंद करते हैं और खोलते हैं तो आप देखते होंगे कि ऊपर की साइड पे एक लाइन सी बन जाती है, बस उसी लाइन पे ही आपको ये वाली शेड को अच्छे से ब्लेंड करनी है। अब जो हमारा दूसरा शेड होगा वो होगा लाइट ब्राउन। ये ब्राउन शेड हम इसलिए ले रहे हैं ताकि एक अच्छी सी हमारे आईज़ में डेप्थ मिल जाए, आई मेकअप हमारी थोड़ी सी अच्छी सी उभरी सी लगे, उसके लिए हम थोड़ा सा ब्राउन शेड पिक करते हैं। तो ठीक ऐसे ही हम इसको ब्लेंड करेंगे अपनी क्रीज लाइन से हल्के से ऊपर वाले एरिया पे। नेक्स्ट शेड मैं यहाँ पे शिमर सेट पिक कर रही हूँ और ये थोड़ी सी पर्पल शेड में है, तो इसको मैं अपनी मिड आई लिड पे अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। जिनको भी आई लाइनर लगाना नहीं आता वो यहाँ पर ध्यान से देखें। आप अपने केवल अपर लैश लाइन एरिया पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक बेसिक लाइन, और उसके बाद अब आप विंग्स क्रिएट कीजिए। विंग्स के लिए आप बिल्कुल तिरछा ले जाइए एक लाइन और फिर उसको कनेक्ट कर दीजिए अपने मिड पॉइंट से, फिर इनको आप अच्छे से फिल कर लीजिए। तो ठीक ऐसे ही मैं अपने दूसरे आईज पे भी करूँगी। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ प्राइमर, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है इसलिए आप मैट प्राइमर ही इस्तेमाल कीजिए। और बेस मेकअप के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लैक्मे की ये फाउंडेशन जो कि SPF 8 है, और मैं आपको बताऊँगी कि मेरे पास मेबलिन फिट मी की भी फाउंडेशन है, बट अगर मैं कंपैरिजन करूँ दोनों में तो मुझे लैक्मे की ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये एक बिल्कुल नेचुरल से फिनिश देती है। और अगर इस फाउंडेशन के कवरेज की बात करें तो आप देख सकते हो बिल्कुल मीडियम कवरेज है, जो कि बिगनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हाई कवरेज वाली जो फाउंडेशन होती है वो बिगनर से हैंडल नहीं हो पाती। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हमारे आँखों के नीचे वाली एरिया जो होती है उनको हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, जिसके लिए हमें कंसीलर अपने
टोन से एक दो शेड लाइट ही कंसीलर चूज़ करना पड़ता है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेम ब्यूटी ब्लेंडर लेकर और केवल कंसीलर मैंने जहाँ पे लगाया है ठीक उसी जगह पे ही रखकर मैं इसको डैब डैब करूँगी। इससे क्या होगा कि आपकी कंसीलर अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगी। अब आप कंसीलर को लॉक कर लीजिए। कंसीलर के साथ साथ आप अपने पूरे फेस की जो बेस मेकअप है उसको भी लॉक कर लीजिए। तो आगे की नेक्स्ट स्टेप करने के लिए मैं हमेशा सिवाना की ये पैलेट यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें कॉन्टोरिंग शेड्स भी हैं, ब्लश वाले शेड भी है और साथ ही एक हाईलाइटर भी है। तो अगर आपका बजट लो है तो शिवाना का ये पैलेट आप डेफिनेटली ले सकते हो। तो इस पैलेट से मैं कॉन्टोरिंग वाले शेड पिक कर रही हूँ और अपने फेस को आपको फिस लाइक बनाना है, और जो भी आपको यहाँ पे अपने चिक पे ये जॉ लाइन दिखेगी उसको आपको उस कॉन्टोरिंग वाले शेड से इनको ब्लेंड करना है। साथ ही आप अपने थोड़े से लोअर वाली जो जॉ लाइन होती है वहाँ पे भी आप ये शेड अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अगर आपके फोरहेड जो है वो मेरी तरह ही थोड़ी सी चौड़ी है तो आप इसको भी कॉन्टोरिंग शेड से कट कर सकते हो। साथ ही आपको अपने नोज़ पे भी ये शेड अप्लाई करनी है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ दोनों साइड्स में, कॉन्टोरिंग करने से क्या डिफरेंस आती है। तो ये आप देख सकते हो, एक साइड जो है मेरी बिल्कुल वाइट वाइट है और दूसरी साइड पे आपको मेरे फेस की डायमेंशनल लुक दिख रही है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा बेकिंग। बेकिंग के लिए आप कोई सी भी लूज़ कॉम्पैक्ट ले लीजिए। अगर आपके पास बनाना कॉम्पैक्ट है तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, और अगर नहीं है तो अगर लूज़ कॉम्पैक्ट भी है तो आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमें केवल अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स पे ही इनको हल्का सा ऐसे लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ देना है। अब क्योंकि हमने अपने लोअर लैश लाइन के मेकअप को अभी कंप्लीट नहीं किया है, उसके लिए हम लाइट ब्राउन शेड लेंगे और अपने लोअर लैश लाइन एरिया पे इनको ब्लेंड करेंगे। काफ़ी अच्छे से ही ब्लेंड करना है आपको। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे NYBay का ये काजल अप्लाई करूँगी। मैं आपको नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट काजल है। लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, साथ ही स्मच प्रूफ है, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। नेक्स्ट आप अपने लैशेस पे थोड़ा सा इनको वॉल्यूम देने के लिए आप मस्कारा अप्लाई कर सकते। तो अब हमने जो लूज़ कॉम्पैक्ट यूज़ किया था अब उसको हम अपने बिग फैन ब्रश से इनको डस्ट आउट कर देंगे। तो अब जिनको भी प्रॉब्लम होती है फॉल्स लैशेस लगाने में उनको क्या करना है वो ध्यान से देखें। आप पहले तो एक ब्रश में ग्लू निकाल लीजिए, ठीक है, फॉल्स लैशेस की, और इसको आप अपने अपर लैश लाइन पे अच्छे तरीके से लगा लीजिए। अब आप अपना फॉल्स लैशेस लीजिए और उसके मिड वाले पार्ट को सबसे पहले अपनी अपर लैश लाइन के मिड पे पेस्ट कीजिए और फिर इनके दोनों कॉर्नर्स को पेस्ट कर दीजिए। ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, बहुत क्विकली आप अपने लैशेस पेस्ट कर सकते हो। अब आप बस हल्का सा स्माइल करते हुए अपने चिक बोन्स पे ब्लश अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे मैं हाइलाइटर के लिए अपना फेवरेट पैलेट यूज़ कर रही हूँ जो कि है मेकअप रिवॉल्यूशन की, और इससे हम अपने सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स पे फैन ब्रश के हेल्प से हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे। लिपस्टिक लगाने से पहले आप एक लिप लाइनर पिक कीजिए और उससे अपने लिप को एक अच्छा सा शेप दे दीजिए, एंड देन आप कोई सी भी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रेयॉन इस्तेमाल कर रही हूँ और ये क्रेयॉन है सुगर कॉस्मेटिक की, बहुत ही प्यारा सा सेट है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लास्टली हम अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए मेकअप फिक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसको हल्का सा डिस्टेंस पे रखकर हम स्प्रे करते हैं और फिर हम अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इनको डैब डैब कर देते हैं। तो अब जो हमारा फाइनल लुक होगा ज्वेलरी के साथ वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।